कर्मचारीगण, पत्रकार बंधु, हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए सामने जो फैसला देने वाले हैं जज मालिक, आप लोगों को अपने दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अधिकार व्यवस्था मिले के चाहिए, पूरा मिले के चाहिए कि ना। 75 साल की आजादी में आपने 7 बार कांग्रेस को बनाया, 4 बार बसपा सपा को बनाया, 4 बार आपने बीजेपी को बना लिया, लेकिन आज एक चपरासी के लिए आप लोग परेशान है। इस अधिकार व्यवस्था से आप लोग परेशान है, बोलिए मिला है काहे ना मिला। यही नाते ना मिला कि हमने आज तक अपने समाज, अपने नेता, अपने गार्जियन का समझेगा पहले, यही नाते हमने के हिस्सा अधिकार व्यवस्था ना मिले। बोला कम मिले हिस्सा, जब लड़ाई लड़ जाए, लड़ाई लड़े खातिर जो हमारे नौजवान साथी हैं, बूढ़े बुजुर्गों का तो बीत गया, जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे नौजवान साथी आपको आगे आना पड़ेगा। घर से बाहर निकल करके माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ में कंधे से कंधा मिला करके उनके सम्मान के लिए आपको लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। बोला आईबा कि ना, कितना लोग आईबा, ईमानदारी से हाथ उठावा। आप लगातार लड़ाई सही लड़ जाते हो। देखा भाई, हम लोगों का मकसद माननीय नेताजी का विचारधारा तो था। माननीय नेताजी चाहते थे उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर MA तक निःशुल्क शिक्षा, फ्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा लागू किया जाए। जो पढ़ाई कॉन्वेंट में होती है, इंग्लिश मीडियम में होती है, वो शिक्षा हम लोग उत्तर प्रदेश के 1,59,000 विद्यालय में लागू करना चाहते हैं। जो आज गरीब, जो गरीब समाज का बच्चा है, जिसके पास 2-4 रुपया नहीं है, 1-2 लाख रुपया नहीं है, वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बेचारा परेशान हो जा रहा है, मजदूरी करके थक जा रहा है, लेकिन उसके पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। बोला सही है कि गलत? इस पढ़ाई पढ़ाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर 1 से लेकर MA तक निःशुल्क समान शिक्षा, फ्री शिक्षा लागू कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी से लड़ते रहे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने नेता का एक भी नहीं सुना। बोला नेताजी अपने लिए मांगत रहन। बोला अगर 1 से MA तक फ्री हो जाता तो नेताजी का लड़का पढ़ी कि आपके नौजवान साथी पढ़ी। आप लोग खुद फैसला देने वाले हैं, आप लोग खुद मालिक हैं, आप लोग को सब समझदार है, आप लोग खुद निर्णय ले सकते हैं इस बात के लिए कि जो लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर ने उठाना है, लखनऊ की पंचायत में पहुंचा करके हर गरीब समाज को मान सम्मान हिस्सा अधिकार व्यवस्था देना हमारा कर्तव्य है, हमारा पण है। बोला हो के चाहिए कि ना, एक कब हो लड़वा तब न। बोला देखा भाई, हम लोगों की मंशा जो है, अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर